हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस फाइनली BGMI के 3.2 अपडेट के अंदर यार एक ऐसी चीज़ आई है ना जिसको लोग देखने के बाद एकदम शॉक हैं कि भाई यार ये क्या चीज़ आ गई। और जिसके अंदर आप सभी लोग देख सकते हो कि ID कार्ड हुआ आपके पास, AG करेंसी, मटेरियल, मिथिक एम्ब्लम, यार ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही है ना जो कि लोग शॉक हैं। मतलब जो चीज़ें आप पहले UC से मिलती थी वो इसके अंदर बिल्कुल ही फ्री में मिल रही है। तो गाइस सर आज की वीडियो आपको बताऊंगा। देखो जाहिर सी बात मेरा 55 लेवल है, तो जाहिर सी बात है सभी का 55 नहीं हो सकता, कुछ कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। पर गाइस अगर आप लोग इसको मैक्स करते हो उसमें आप लोग को ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी, ऐसे ऐसे आपको टाइटल देखने को मिलेंगे जो कि आप देख के शौक हो जाओगे। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग ट्रेजर पर जाते हो तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर M416 की किल फीड वाली आपको ये स्किन देखने को मिलेगी, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो कि कितना खतरनाक सा ये वाला इमोट है। और सिर्फ आपको M416 का नहीं, आप लोग को यहाँ पर AKM की भी देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा किल फीड के साथ आप लोग को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर किल फीड है, ये तो मटेरियल है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कि किल फीड रहेगा। तो कैसे सारी चीज़ें रहेगी, तो आपको आज की वीडियो आपको यही समझाने वाला हूँ, फुल इवेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छे से वीडियो को देखना, एंड तक देखना, एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस यार ये जो इवेंट है ये आप सभी लोगों को इस वाले सीज़न के अंदर देखने, इस वाले अपडेट के अंदर देखने को मिला है, जिसके अंदर आप सभी लोगों ने देखा कि फर्स्ट लेवल पे आप लोगों को ये चीज़ मिलती है। अगर आप इसको कलेक्ट ऑल करते हो इसमें आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या मिला है। इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक फ्रेम भी मुझे देखने को मिल चुका है, और यहाँ पर एक इमोट भी देखने को मिल चुका है, ID कार्ड परमानेंटली देखने को मिल चुका है। मतलब ये टाइम लिमिटेड नहीं है, जब भी आपको कभी लाइफ में मन करे नाम चेंज करने का तो आप लोग इस ID कार्ड का यूज़ करके नेम चेंज कर सकते हो। बाकी 3 आप लोग को मॉडिफिकेशन मटेरियल मतलब मुझे मिल गया है, एंड गाइस 33,600 AG करेंसी, 2,400 AG करेंसी और 600 AG करेंसी। आप लोग AG करेंसी के देखो यार, 240 AG करेंसी, 120 AG करेंसी, तो देखते जाओ AG करेंसी कितनी मिल रही है। 3 मॉडिफिकेशन मटेरियल और मिल चुका है, एंड गाइस आप लोग यहाँ पे 4,800 AG करेंसी देखने को मिल चुकी है, एंड गाइस पैराशूट स्ट्राइकर ये कुछ अलग चीज़ मिली है। बाकी एक मिथिक एम्ब्लम पहली बार मिल गया मेरे को, तो यहाँ पे गाइस मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। तो और मिल गए भाई साहब, 2 मिथिक एम्ब्लम ही मिल गए मुझे भाई साहब, 3 हो गए मेरे पास। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि USZ स्ट्राइकर, एंड ये क्या है, ग्रेफिटी आई थिंक है। बाकी गाइस एक और चीज़ मिली है, ये क्या है, एडवांस फ्रेम फोटो। ओके अभी इसका यूज़ करके देखेंगे क्या है। बाकी गाइस 25 पेंट, 30 पेंट, भाई पेंट की बौछार लग गई मेरे पास यहाँ पे। एंड ये क्या चीज़ है यार, इलाइट कलेक्टर स्ट्राइकर, अच्छा सिंबल है, तो यहाँ पे गाइस मिला। और इसके मुझे एक और फ्रेम देखने को मिल चुका है, एक टाइटल देखने को मिल चुका है। ओके गाइस काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस ये जो टाइटल देखने को मिला था, तो आप सभी लोग देख सकते हो कि ये टाइटल मुझे देखने को मिला है, तो यहाँ पे इसको आप लोग लगा सकता हूँ। गाइस सर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मुझे 55 लेवल तक इतनी मिली चीज़ें, एंड गाइस अभी देख सकते हो कि मुझे एक मटेरियल, 3 आपको मिथिक एम्ब्लम मुझे मिलने वाला है, एंड गाइस एक इमोट और देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मुझे यहाँ पे 2-3 इमोट्स देखने को मिलेंगे, 2-3 टाइटल और देखने को मिलेंगे, एंड गाइस बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छा ये जो चीज़ थी वो ये था, ओके अब समझ में आ गए मुझे। तो यहाँ पे गाइस आप सभी लोग को यहाँ पे लेवल 55 भी हो सकता है, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी देखो इसको कैसे कंप्लीट करना होता, कैसे आपको लेवल बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे पॉइंट, अभी मेरा पॉइंट देख सकते हो कि 4905 पॉइंट है। तो अगर मुझे लेवल 55 से लेवल 56 जाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे 41 पॉइंट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, देख सकते हो कि यहाँ पे एक चीज़ पहले आप लोग देख लो ट्रेजर में जाके कि किस चीज़ के कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये वाले M4 की स्किन है, ठीक है, ये वाली स्किन, तो इसके पॉइंट कितने मिल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो कि 8 पॉइंट मिले हैं, एंड एक छोटा सा सन ग्लासेस है उसके भी मुझे 5 पॉइंट मिले हैं, एंड किस काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डाउनलोड नहीं है लेकिन उनके भी मुझे पॉइंट मिले हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पास क्या क्या है, कितने कितने पॉइंट मिले हैं बाय आइटम्स है, तो बाय कम्प्लीट देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे पॉइंट है, मतलब ये जो चीज़ें आप लोग देख पा रहे होगे कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, तो आप लोग भी ऐसा बाय कम्प्लीट
देख सकते हो कि कितनी चीज़ें आपके पास है और किसके कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे किसके कितने पॉइंट मिले। अब मुझे पॉइंट करने के लिए मुझे क्या चीज़ें करनी होगी, तो अभी मेरे पास क्या नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे सीज़न टोकन मेरे पास काफ़ी सारे हैं, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ सीज़न टोकन पे। तो गाइज अभी मैं सीज़न शॉप में आ चुका हूँ एंड ये वाला पैराशूट इस सीज़न के अंदर आया है और मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको 1800 का मैं परचेस कर लेता हूँ। और जैसे मैंने परचेस करा, अभी मैंने अब बता दो, मैंने मेरा चाहिए था 51 चाहिए था, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरा 409 105 था। तो मुझे जो पैराशूट मैंने परचेस करा उसका मुझे 4 पॉइंट मिला और 409 199 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से बढ़ रहा है। एंड गाइस मैं जितनी सीज़न में जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं परचेस कर पाऊँगा मैं उससे परचेस कर लेता हूँ। कल के दिन आपको फिर से मिल जाएगी कॉइन्स, तो आप लोग दिक्कत मत लो। तो यहाँ पे गाइस फिर से हम लोग चलते थे, देखते हैं कि हमारा कितना हुआ, ठीक है। तो लेवल पे चलते हैं, तो लेवल आप लोग देख सकते हो कि मेरा 94, अच्छा मुझे सिर्फ 20 बढ़े हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने परचेस करी सिर्फ 20 बढ़े हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे लेवल 55 करने के लिए 56 करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और चाहिए, तो उसकी ओपनिंग हम लोग बाद में करेंगे। अभी गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अब बहुत सारे बंदे कहेंगे कि इसमें लेवल का भी मैटर होता है क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं, क्योंकि लेवल से कुछ भी यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग को जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगी वो आपके आउटफिट से बढ़ेगी, जैसे कि आपके ट्रेजर हिस्ट्री में जितनी भी आपके पास आउटफिट होंगी सभी चीज़ों का कंप्लीट कर जाए। और आपको बता दूँ, अगर एक चीज़ आपके पास दो है, जैसे कि मान लो मिथिक आउटफिट आपके पास दो है, तो सिर्फ एक ही काउंट होगा, दो नहीं काउंट होंगे, तो इस चीज़ का याद रखना। तो कितना किसका कितना पॉइंट मिलता है तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हो। और जिसके पास अच्छी लोबी होती है, जैसे अच्छी इन्वेंट्री है, जैसे मिथिक आपको पास बता दूँ कि जैसे एक सूट है, और एक सूट में आप लोग को बता दूँ एक चीज़ याद रखना कि जिसका एक सूट मैक्स होगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, जो एक सूट लेवल 1 होगा उसके पॉइंट सिर्फ 15-20 मिलेंगे। तो ये चीज़ है एक सूट में, तो ऐसा मत समझना कि भाई एक सूट के पॉइंट कम मिलेंगे, जितना मैक्स करोगे उतने पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ है कि इसमें आप लोग ये चीज़ें ले सकते हो अपना धीरे धीरे करके, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग गेम में लगाओगे पैसे से निकालोगे वो चीज़ें आपको मिलती रहेगी। बाकी सीज़न आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट सीज़न का वेट करना जो कल आ जाएगा, तो उसके बाद ये सीज़न भी अनलॉक हो जाएगा। बाकी पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे पॉइंट है, कैसे कैसे लेवल बढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जितना अगर 95 तक जाना है तो 45,000 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो मेरे पास 55 तक मेरे पास 4,000 पॉइंट है, तो अगर मुझे 95 तक जाना है तो 45,000 चाहिए, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो उसके बाद एक्सिबिशन हॉल में चलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जो जो चीज़ें आपके पास निकली है यहाँ पे शो कर सकते हो कि ये कार का है, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो अपने हिसाब से, चाहो तो इसको हटा भी लो, चाहो तो आप इसको लगा के रखो, आपकी मर्जी है। इसी में आप लोग को एक ट्रेजरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर भी आप लोग को किल फीड वाली गन भी देखने को मिल जाएगी, अपग्रेडेबल गन। तो इसमें कैसे सीन है कि आपको बता दो कि ऑल फायर आर्म्स आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो फायर आर्म के पॉइंट मिलेंगे, जो अच्छी गने होंगी, है तो मेरे पास M4 भी, आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने AKM पे आप मुझे इतने पॉइंट मिले हैं, एंड M16 के आप लोग देख सकते हो कि इतने पॉइंट मिले हैं, स्कारल के देख सकते हो कि गनों के कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि सारे गन किस की है मेरे पास, AR में स्नाइपर में जाओगे सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस गन के मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग लेवल 1 पे जाओगे तो एक मॉडिफिकेशन मटेरियल है, लेवल 2 पे जाओगे तो ये क्या चीज़ है, कुछ अलग है, उसके बाद लेवल 3 पे एक सिल्वर से यहाँ पे एक इमोट बोल सकते हो, लेवल 4 पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये किल फीड रहेगा। आज यार ये एक चीज़ है फिनिशेस का, कि जितने आपके फिनिश होते जाएंगे उतना यहाँ पे काउंट होता जाएगा, और ये मैक्सिमम होगा 1000 तो होगा मैक्सिमम, इसके आगे तो जा नहीं पाएगा, तो यही चीज़ होगा। उसके बाद ये लेजेंडरी हो सकता है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपको यहाँ पे चीज़ मिल जाएगी जो कि आप लोग अपनी लोबी में लगा सकते हो, बाकी एक यहाँ पे इमोट भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ है काफ़ी प्यारी है, गोल्डन है। इसके बाद AKM का भी बिल्कुल सेम यही सीन है कि AKM का भी यही अपग्रेडेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1000 तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी ख़तरनाक सा दिखेगा। अभी गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि इसके पॉइंट कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस सबसे पहली चीज़ है कि अभी ये AKM और M416 में आया है, इसके अलावा कोई और गन में नहीं आया है, तो इन फ्यूचर हो सकता है आएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें आप लोग के पास देखो जिस गन के ज़्यादा पॉइंट होंगे, जैसे कि AKM के यहाँ पे देख सकते हो कि आपको हर AKM, जैसे आपके पास अगर मैक्स वाली गन है, जैसे कि कोई अपग्रेडेबल गन मैक्स कर दिया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको पास पॉइंट होंगे हर गन के, जैसे मेरे पास बहुत कम कम पॉइंट है क्योंकि मेरे पास अपग्रेडेबल गन ज़्यादा है भी नहीं, तो इसलिए पॉइंट कम है। तो जैसे कि AKM के मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो कि 45, ठीक है। अगर मेरे पास इसे एक और गन की स्किन मिल जाती है तो मेरे 50 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन मटेरियल ले पाऊंगा। M416 के पॉइंट देख सकते हो कि सिर्फ 24 है भाई, 50 तक जाने में मुझे लगभग 5-6 गन की स्किन चाहिए, देन जाके मुझे 50 यहाँ पॉइंट कंप्लीट होगा, तभी मेरा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वो अनलॉक होंगी। जितनी ज़्यादा जैसे कि मेरे पास इतनी गन हो गई कि मेरे पास 800 पॉइंट हो जाते हैं, जैसे M4 की इतनी सारी गन हो गई मेरे पास 800 पॉइंट हो जाते हैं, तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर AKM की भी ऐसी मतलब इतनी सारी स्किन हो जाती है कि 800 पॉइंट हो जाते हैं, देन जाके मेरे AKM की भी सारी चीज़ें खुल जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला पूरा सीन चलेगा। इसमें आपको किल करने पर पॉइंट मिलेंगे, वो अलग पॉइंट होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। जितनी आपकी स्किन रहेगी वही पॉइंट यहाँ पे काउंट होंगे लेवल को लेवल 5 तक जाने में, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसका भी चलेगा सीन ट्रेजरी का। पता रहेगा जितनी ज़्यादा रेयर चीज़ें आपके पास होंगी उतना आपका लेवल बढ़ता रहेगा। और आपको बताया ना मैंने कि जैसे आपके सामने परचेस करके दिखाया कि पैराशूट वगैरह, तो इससे आपको पॉइंट मिलते रहेंगे, आपका लेवल बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से जाके आप लोग अपना जो चीज़ है यहाँ पे एक्सेप्शन हॉल या कुछ भी बोल सकते हो, तो इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हो, आप मैक्सिमम कर सकते हो। देखो टाइम तो इसमें लगेगा ही क्योंकि 45,000 हलवा नहीं है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा रेयर आइटम्स होंगे उन्हीं का होगा सिर्फ, बाकी तो नॉर्मल बंदों का तो 50, 70, 80, 90 होगा, उसके ज़्यादा नहीं होगा। तो चलो गाइस मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। फिर भी अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कमेंट कर सकते हो। चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।